नमस्कार दोस्तों, कमेंट बॉक्स में हमें कई तरह के कमेंट्स आ रहे हैं और लोग लगातार हमसे ये पूछ रहे थे कि मसाला बनाने के बिजनेस के बारे में आप हमें बताइए। तो आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो मसाले का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि मसाला एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में इस्तेमाल होता है, चाहे वो सब्जी बनानी हो, दाल बनानी हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस बिजनेस को ठप कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस बिजनेस को यहाँ तक, यानी कि बहुत हाई लेवल तक पहुंचा सकते हैं। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए तमाम अपडेट्स के लिए, और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि और कैसे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं बिजनेस को लेकर और किस तरह के वीडियोज़ आप देखना चाहेंगे। तो चलिए शुरुआत मसाले बनाने के बिजनेस से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि मसाला एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में इस्तेमाल होता है और इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। हालांकि हम घर में अगर थोड़ा सा मसाला बनाना है तो हम कुछ मसाले लेकर, जैसे दालचीनी, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, इन सबको लेकर पीस देते हैं अलग अलग प्रोपोर्शन में और मसाला तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आपको बिज़नेस शुरू करना है तो जाहिर सी बात है एक पूरी प्रक्रिया होगी, इसकी पूरा प्रोसेस होगा, मशीन्स चाहिए होंगी, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो आज इस वीडियो के जरिए इन सब बिंदुओं पर बात करेंगे। घर के मसाले बनाने के लिए रॉ मटेरियल। इस व्यापार के लिए रॉ मटेरियल के रूप में केवल वही कच्चे मसाले लगते हैं जिसकी सहायता से आप व्यापार करना चाहते हैं। आमतौर पर इस व्यापार के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल हल्दी, काली मिर्च, सूखी मिर्ची, जीरा, धनिया आदि है। घर के मसाले बनाने के लिए मशीनरी। इस उद्योग के लिए कुछ विशेष मशीनों की आवश्यकता होती है जिसकी सहायता से अपने मसाले की क्वालिटी मेंटेन की जा सकती है। क्लीनर। इस मशीन की सहायता से मसाले के रॉ मटेरियल से कंकड़ पत्थर साफ किए जाते हैं। ड्रायर। ड्रायर का प्रयोग करके मसाले को सुखाया जाता है। ग्राइंडिंग। इस मशीन की सहायता से कम मेहनत में मसाला पीसा जाता है। पावर ग्रेडर। ये मशीन बारीक पाउडर को नीचे और मसाले के मोटे पाउडर को ऊपर करने में कार्य करती है। बैग सीलिंग मशीन। इस मशीन की सहायता से मसाले की पैकिंग की जाती है। घर के मसाले बनाने के लिए मशीनरी की कीमत इस पूरे मशीन की सेट अप के लिए लगभग 4 लाख रुपए तक की लागत आती है। कहाँ से खरीदें? आप होलसेल या फिर ऑनलाइन माध्यम से मसाले और मशीन नीचे दिए गए लिंक पर जाकर खरीद सकते हैं। घर के मसाले के व्यापार का पंजीकरण। ये व्यापार एक खाद्य व्यापार है, अतः इसके लिए आवश्यक पंजीकरण कराना आवश्यक है। आपको सबसे पहले अपना फर्म उद्योग आधार अथवा MSME के अंतर्गत कराना होगा। इसके बाद आपको सरकार के खाद्य विभाग से FSSAI लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इस लाइसेंस से आपके मसाले पर शुद्धता संबंधित सवाल नहीं उठेंगे। यदि आप व्यापार बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो आपको अपने फर्म का पंजीकरण प्रोप्राइटरशिप अथवा पार्टनरशिप के अंतर्गत भी कराना पड़ता है। साथ ही अपने ट्रेडमार्क पर ISI लाइसेंस प्राप्त करने की भी आवश्यकता होती है। आपको आपके फर्म के नाम पर किसी बैंक में एक अकाउंट बनाने की आवश्यकता होती है। तो हमें पूरा यकीन है कि अगर आप इस तरह के बिजनेस की इच्छा रखते थे तो अब आपके पूरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी शंका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। हम आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।